Hello students, welcome back. This is Ihsan Ali Assammadi and thanks for subscribing our channel and thanks for your love and support. Students, हमने start किए थे 12th standard maths part 1 chapter number 5 integration, जिसमें हमने exercise 5.1, 5.2 सारी finish किए. And today will be our last lecture on integration by partial fraction. So last exercise को हमने दो part में divide किया था. Previous video में हमने basic sums किए थे जो simple थे, जिसके factors possible थे, rational functions थे. आज हम थोड़ा लेवल बढ़ा के फर्दर स्टार्ट करते हैं द रिमेनिंग फोर सम्स ऑफ दिस एक्सरसाइज. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स डी एक्स. अब ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आपको दिया हुआ है, आप सोचोगे ये कौन सा फंक्शन है हमारा, ये कौन से मेथड से करना है, कौन सी एक्सरसाइज को बिलोंग करता है. सो क्या ये हमारा रैशनल फंक्शन है? रैशनल फंक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? इफ द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर शुड बी लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर. बट वैसा उस टाइप का नहीं है, बट डिनोमिनेटर के फैक्टर्स पॉसिबल है, आप फैक्टर्स इजीली निकाल सकते हो. इसके लिए हमारा पार्शियल फ्रैक्शन से हम करेंगे बिकॉज फैक्टर्स पॉसिबल है, बट रैशनल फंक्शन नहीं है. चलो रैशनल फंक्शंस में कन्वर्ट करते. सो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन. सो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स डी एक्स. अभी हमारा रैशनल फंक्शन नहीं है, किस कैसे इसको हम कन्वर्ट करेंगे? सो क्या मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की तरह कन्वर्ट कर सकता हूँ? चेक करो, क्या हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, पॉसिबल है. आई कैन राइट माइनस वन एस माइनस सिक्स प्लस फाइव. ये आप बोलोगे कैसे समझेगा? डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर एक्स एक्स, यहाँ माइनस सिक्स है. एंड माइनस वन कैन बी रिटर्न एज माइनस सिक्स प्लस फाइव. सो माइनस वन आएगा एंड देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स डी एक्स. रीअरेंज किया, माइनस वन को माइनस सिक्स प्लस फाइव लिखे हमने. सो माइनस प्लस माइनस आई विल गेट माइनस वन. एंड फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स अपॉन, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे, प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स विल पुट इन अ ब्रैकेट डी एक्स. ये रिड्यूस हो जाएगा सो विल गेट 1. सो दिस बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स प्लस 5 विल बी कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स डी एक्स. अब ये बहुत ही सिंपल है, अब ये तो आप भी कर सकते हो. अब ये सम कैसा हो गया हमारा? प्रीवियस सम की तरह हो गया, जो हमने फोर सम्स किए थे ना उसके जैसा है, सेम उसके जैसा है. ये हमारा एक रैशनल फंक्शन हो गया जहाँ डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज जीरो एंड द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज टू. सो डिग्री बड़ा है. सो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. सो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो दोनों पार्ट को, या फिर आप इस पार्ट को अलग से सॉल्व करो देन विल सब्स्टिट्यूट. सो बार बार इसको लिखने से अच्छा है मैं इसको पहले अलग से करूं. सो आई विल लिमिट एज इक्वेशन नंबर 1. अब इस पार्ट को अलग से मैं सिंप्लीफाई करता हूं. नाउ दिस पार्ट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स कैन बी रिटन एज 1 अपॉन, उसके फैक्टर्स पॉसिबल है. क्या है के फैक्टर्स? सिक्स के फैक्टर्स जो माइनस करके वन देगा, सिक्स के फैक्टर्स जो माइनस करके वन देगा. सो इट विल बी थ्री एंड टू. सो प्लस थ्री एंड माइनस टू. सो लिखेंगे एक्स प्लस थ्री एंड एक्स माइनस टू. ये हमने हमारे लोअर स्टैंडर्ड में सीखा है कैसे मिलता है. सो विल मल्टीप्लाई सिक्स विद द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सिक्स वन जा सिक्स. सो सिक्स के फैक्टर्स निकालेंगे हम एंड हमें एक्स का कोएफिशिएंट वन है सो वन लाना है हमें एंड विल सी माइनस, माइनस करके वन लाना है. सिक्स के फैक्टर जो माइनस करके वन देगा तो थ्री टू जा. सो थ्री एंड टू आर द फैक्टर्स. एंड अगर यहाँ माइनस है विल पुट प्लस, हम पहले लिखते हैं माइनस हम बाद में लिखते हैं. सो देयर आर डिफरेंट वेज किस तरीके से हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, मैं ये यूज़ करता हूँ. सो यहाँ माइनस होगा सो फर्स्ट साइन लिखेंगे, उसके ऑपोजिट बाद में लिखते हैं. सो प्लस थ्री एंड माइनस टू आर द टू फैक्टर्स. सो देयरफॉर
ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन x प्लस 3 एंड x माइनस 2, विच कैन बी रिटन एज a अपॉन x प्लस 3 प्लस b अपॉन x माइनस 2। पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं ना, इस तरीके से लिखा जाता है उसका पार्शियल फॉर्म। प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देख लेना आप लोग। कंटिन्यू करेंगे, a x माइनस 2 प्लस b x प्लस 3 द होल अपॉन x प्लस 3 x माइनस 2 एंड एल एच एज इट इज। सो सब रेड्यूस हो जाएगा एंड देयरफॉर 1 इक्वल टू a x माइनस 2 प्लस b x प्लस 3। अब a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे, वही तो हमें करना है। सो a का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, पुट x इक्वल टू माइनस 3, प्लस 3 तो माइनस 3 पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू माइनस 3। सो 1 इक्वल टू a माइनस 3 माइनस 2 प्लस b माइनस 3 प्लस 3, सो दिस बिकम 0, 1 इक्वल टू a माइनस माइनस प्लस दिस बिकम 0 एंड देयरफॉर 1 इक्वल टू माइनस 5 a एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ a इज माइनस 1 अपॉन 5। सो a का वैल्यू मिल गया, फाइंड करते हैं b का वैल्यू। सो b का वैल्यू कैसे मिलेगा हमें, माइनस 2 है सो प्लस 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट x इक्वल टू 2, सो विल सब्स्टिट्यूट 2 इन दिस इक्वेशन, 1 इक्वल टू a 2 माइनस 2 प्लस b 2 प्लस 3, सो 1 इक्वल टू दिस बिकम 0 प्लस दिस इज 2 प्लस 3 5b एंड देयरफॉर b इक्वल टू 1 अपॉन 5। a एंड b के वैल्यूज मिल गए, सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, सो देयरफॉर 1 अपॉन x प्लस 3 x माइनस 2 इक्वल टू a इज माइनस 1 अपॉन 5 अपॉन x प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 5 x माइनस 2। सो इसका वैल्यू मिल गया, अब हम इसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आई विल नेम इट एज इक्वेशन नंबर 2। सो ये अब यहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सी हियर वही है फॉर्म, 1 अपॉन x प्लस 3 x माइनस 2 इज सेम एज 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। सो विल सब्स्टिट्यूट एंड देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपॉन 5 x प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 5 x माइनस 2 dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5 विल गो इनसाइड, सो माइनस 5 अपॉन 5 x प्लस 3 प्लस 5 अपॉन 5 x माइनस 2 dx, फर्दर रेड्यूस हो जाएगा एंड देयरफॉर वी गॉट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ये केस में माइनस 1 है, सो विल टेक माइनस आउटसाइड, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 3 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 2 dx। अब ये तीनों बहुत ही सिंपल हो गया, इजीली आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो एंड द फाइनल आंसर इज i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 इज log ऑफ x प्लस 3 प्लस log ऑफ x माइनस 2 प्लस c विच इज अवर फाइनल आंसर। सो आई होप सम क्लियर है, कंटिन्यू करते नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। And the question is integration of 5x square plus 20x plus 6 upon x cube plus 2x square plus x dx.
अब इसको कैसे करेंगे आप? कौन सी एक्सरसाइज का समय है ये? बोर्ड्स में आ गया कैसे समझेगा? सो अभी आपको नहीं समझेगा, फर्दर पहले सिंप्लीफाई करते। अगर हम डिनोमिनेटर में देखेंगे तो डिनोमिनेटर में एक्स कॉमन निकल सकता है। सो स्टार्ट करेंगे, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5x² प्लस 20x प्लस 6 अपॉन एक्स x² प्लस 2x प्लस एक्स। हमने x कॉमन निकाल दिया। सबसे पहले क्या ये रैशनल फंक्शन है? हाँ ये रैशनल फंक्शन है, बिकॉज द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज लेस। डिग्री न्यूमरेटर का 2 है, डिनोमिनेटर का डिग्री 3 है। सो रैशनल फंक्शन, इसका पार्शियल फंक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल है। बट करेंगे कैसे? सो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक नहीं था, क्वाड्रेटिक होता तो उसके फैक्टर्स निकलते। क्वाड्रेटिक नहीं था, क्यूबिक था, बट क्यूबिक में से मैंने x को कॉमन निकाल दिया, अब क्वाड्रेटिक हो गया, अब फैक्टर्स पॉसिबल है, इसके फैक्टर्स निकल सकते हैं। क्या फैक्टर्स निकलेंगे? सॉल्व करते, इंटीग्रेशन ऑफ 5x² प्लस 20x प्लस 6 अपॉन x। फैक्टर्स 1 का फैक्टर जो प्लस करके 2 देगा, 1 का फैक्टर जो प्लस करके 2 देगा, 1 1 1। सो दिस कैन बी रिटन एज x प्लस 1 x प्लस 1। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 5x² प्लस 20x प्लस 6 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल है, अब ये बहुत ही सिंपल हो गया। स्टार्ट करते आगे। सो कैसे इसका निकालेंगे हम? सो 5x² प्लस 20x प्लस 6 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज पार्शियल फॉर्म a अपॉन x प्लस b अपॉन x प्लस 1 प्लस c अपॉन x प्लस 1 द होल स्क्वायर। सिमिलर सम्स हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था, जब मैंने 4 बेसिक सम्स लिए थे, वो अच्छे से कर लेना, तब जाके ये समझेगा। डायरेक्टली इस सम पे मत आना। अब a और b और c का वैल्यू निकालेंगे, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। सो a, अब एलसीएम कैसे लेते हैं वो भी हमने वहां पे सिखाया था। सो दिस बिकम्स a x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस b x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 प्लस c x द होल अपॉन x, x प्लस 1 x प्लस 1 द होल स्क्वायर। 5x² प्लस 20x प्लस 6 अपॉन x, x प्लस 1 द होल स्क्वायर। एलसीएम लोगे दिस टर्म विल नॉट कम, ठीक है। अब रेड्यूस करेंगे, सो रेड्यूस हो गया एंड आवर फाइनल इक्वेशन इज देयरफॉर 5x² प्लस 20x प्लस 6 इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस बी एक्स, एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स। अब हम फाइंड करेंगे द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरीके से फाइंड करना है। सो सबसे पहले जहां स्क्वायर होता है उसका वैल्यू फाइंड करेंगे, देन ये x प्लस 1 है, यहां पे भी x प्लस 1 है, सो b नहीं, देन विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड लास्ट b निकालेंगे। सो जहां स्क्वायर होता है वो निकालेंगे, फिर जहां x प्लस 1 नहीं होता, सो दिस वन ये निकालेंगे एंड देन b। सो स्टार्ट करते हैं c के साथ, x प्लस 1 है, सो x इक्वल टू माइनस 1, पुट x इक्वल टू माइनस 1, सो 5 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 20 माइनस 1 प्लस 6 इक्वल टू a माइनस 1 प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस b माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1
प्लस सी माइनस वन. सो दिस बिकम्स फाइव माइनस वन का स्क्वायर वन. सो 20 × 1 − 20 प्लस सिक्स इक्वल टू. अब ए माइनस वन प्लस वन है, जीरो हो जाएगा. सो मैं नहीं लिखता हूं इस बार. सो दिस टर्म ऑल्सो बिकम जीरो. ये हमारा जीरो हो जाएगा. ये भी टर्म जीरो हो जाएगा. माइनस वन प्लस वन. सो सिंप्लीफाई करेंगे माइनस सी. सो फाइव माइनस ट्वेंटी प्लस सिक्स इक्वल टू माइनस सी. फाइव प्लस सिक्स माइनस ट्वेंटी इक्वल टू माइनस सी. इलेवन माइनस ट्वेंटी इक्वल टू माइनस सी. सो माइनस नाइन इक्वल टू माइनस सी. एंड देयरफॉर सी का वैल्यू हमें मिल गया, दैट इज नाइन. सो बहुत ही सिंपल था किस तरीके से हमने सी का वैल्यू फाइंड किए. अब ए का वैल्यू फाइंड करते. ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए पुट एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे. सो विल स्टार्ट पुट एक्स इक्वल टू जीरो. हमारी इक्वेशन में एक्स इक्वल टू जीरो पुट करते हम. सो फाइव जीरो स्क्वायर प्लस 20 × 0 प्लस सिक्स इक्वल टू ए जीरो प्लस वन द होल स्क्वायर प्लस. पूरा मैं सिंप्लीफाई नहीं करता हूं. अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे बी एक्स के जगह पे, अगर एक्स के जगह पे हम जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दिस टर्म विल बिकम जीरो एंड दिस टर्म विल ऑल्सो बिकम जीरो. सो मैं यही टर्म लिखता हूं अभी के लिए. सॉल्व करते हैं. दिस बिकम जीरो प्लस दिस ऑल्सो बिकम जीरो प्लस सिक्स इक्वल टू ए एंड वन स्क्वायर इज वन एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ए इज सिक्स. ए भी मिल गया, सी भी मिल गया. लास्ट वन, अब बी का वैल्यू फाइंड करना है. बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने आपको प्रीवियस समय बताया था कैसे करना है. आप एक्स के जगह पे जीरो डालो, जीरो सब्स्टिट्यूट करो, वन करो, टू करो, माइनस वन, कोई भी नंबर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, आपको इजीली मिल जाएगा. सो हम स्टार्ट करते हैं एक्स के जगह पे हम जीरो सब्स्टिट्यूट करते. अब आप एक्स के जगह पे अगर जीरो सब्स्टिट्यूट करते वो तो कर चुके हैं हम, तो उससे तो मिलेगा नहीं. देन माइनस वन था तो हम वन लेते. पुट एक्स इक्वल टू वन. या हम इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो भी हम कर सकते हैं. सो इक्वेशन को कंपेयर अगर आप करोगे देन ऑल्सो यू कैन फाइंड. बट हम सब्स्टिट्यूशन करते तो लास्ट पुट एक्स इक्वल टू वन. एक्स के जगह पे वन सब्स्टिट्यूट करेंगे हम. सो दिस बिकम्स फाइव वन स्क्वायर प्लस 20 × 1 प्लस सिक्स इक्वल टू ए वन प्लस वन द होल स्क्वायर प्लस बी मल्टीप्लाई बाय वन मल्टीप्लाई बाय वन प्लस वन प्लस सी इंटू वन. फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. फाइव प्लस 20 प्लस सिक्स इक्वल टू वन प्लस वन बिकम टू. टू स्क्वायर फोर फोर ए प्लस वन प्लस वन टू टू बी प्लस सी. विल सॉल्व फर्दर. सो ए का वैल्यू मेरे पास सिक्स है. सो दिस बिकम्स 20 प्लस 5 25 31 इक्वल टू 4 इंटू ए इज 6. बी हमें फाइंड करना है एंड सी इज 9. सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर. यहां लिख देता हूं मैं. सो 31 इक्वल टू 24 प्लस 2b प्लस 9. फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 31 इक्वल टू 2b प्लस 24 प्लस 9 33. देयरफॉर 31 माइनस 33 इक्वल टू 2b. सो दिस बिकम्स माइनस 2 इक्वल टू 2b एंड b का वैल्यू आ गया मेरा माइनस 1. सो आई होप क्लियर है किस तरीके से मैंने ए बी एंड सी का वैल्यू फाइंड किया. अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ए बी सी का वैल्यूज एंड आगे का पार्ट आपको भी आता है. तो स्टार्ट करते हैं. देयरफॉर आई इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए. ए इज 6 अपॉन
प्लस बी इज माइनस वन, सो माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, इन द लास्ट वन सी इज नाइन अपॉन एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर. फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सिक्स इज अ कॉन्स्टेंट का बाहर आ जाएगा, वन अपॉन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस नाइन इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर डी एक्स. ये हो जाएगा हमारा सिक्स लॉग एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सो नाइन दिस कैन बी रिटन एज एक्स प्लस वन रेज टू माइनस टू का डी एक्स. सो सिक्स लॉग एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस नाइन. सो एक्स एज टू एन का होता है एक्स एज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, सो माइनस टू प्लस वन माइनस वन अपॉन माइनस, सो ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वन रेज टू माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस सी विच इज अवर फाइनल आंसर. इसको फर्दर लिखेंगे सिक्स लॉग एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, सो माइनस विल कम आउटसाइड माइनस नाइन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी विच इज अवर फाइनल आंसर. सो काफी लेंथी सम था, होप सम क्लियर है. कंटिन्यू करते हैं विद नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स एक्स प्लस एक्स रेस टू फाइव प्लस वन डी एक्स. अब कैसे करेंगे, सो अगर आप एक्सरसाइज 5.1 देखोगे उसमें भी सेम ऐसा एक क्वेश्चन है, बट जहां डिग्री सेम है, यहां अगर आप डिग्री देखोगे तो 5 है, यहां 1 है. अगर आप उस सम को देखोगे एक्सरसाइज 5.1 में भी एक ऐसा सम है जहां डिग्री 1 है. सो डिग्री सेम होना चाहिए, तो ये सम फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा इजीली. तो स्टार्ट करते हैं, सेम करने के लिए आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स एस टू फोर. सो ये हो जाएगा हमारा लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एस टू फोर, वन मल्टीप्लाई बाय एक्स एस टू फोर एंड डिनोमिनेटर में भी एक्स एस टू फोर मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड एक्स एस टू फाइव प्लस वन डी एक्स. सो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, दिस बिकम्स एक्स एस टू फोर अपॉन एक्स रेज टू फाइव एक्स रेज टू फाइव प्लस वन डी एक्स. अगर आप देखोगे तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, अब इसको ध्यान से देखो, क्या डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, एक्स रेज टू फाइव का होता है फाइव एक्स रेज टू फोर और एक्स रेज टू फोर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है. सो अब डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन सब मिक्स हो गया, सारी एक्सरसाइज को अच्छे से रिवाइज करना, तब जाके ये आपको समझ में आएगा. सो स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, पुट x raised to 5 equal to t, differentiate करेंगे both sides with respect to x, so जाएगा d by dx of x raised to 5 equal to d by dx of t and therefore ये हो जाएगा हमारा 5 x raised to 4 equal to dt upon dx. further x raised to 4 dx can be written as dt upon 5 and therefore हमारा question हो जाएगा, therefore I equal to क्या हो गया हमारा question, integration of put x raised to 5 equal to t की हमने, so here x raised to 5 ये हो गया मेरा t x raised to 5 t प्लस वन एक्स एस टू फोर डी एक्स, ये रहा एक्स एस टू फोर डी एक्स कैन बी रिटन एज डी टी अपॉन फाइव. सो आई विल राइट डी टी अपॉन फाइव एंड देर फोर आई इक्वल टू वन अपॉन फाइव इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी टी प्लस वन डी टी. अब ये बहुत ही सिंपल हो गया, आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो एंड और एक मेथड है, मैं आपको वो मेथड बता देता हूँ जो हमने प्रीवियस सम में किए थे. अब पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, वन अपॉन टी टी प्लस वन है, सो ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस वन, फिर आप एलसीएम लोगे ए का और बी का वैल्यू आ जाएगा. और वन मोर वे है, दिस कैन बी रिटन एज
वन अपॉन फाइव, वन मैं प्लस टी ऐड करता हूँ टी एंड माइनस टी ऐड करता हूँ एक, एंड टी अपॉन टी प्लस वन। डिनोमिनेटर में टी प्लस वन था, टी प्लस वन था, सो टी एक प्लस टी ऐड किया, सो दिस बिकम टी प्लस वन और एक माइनस टी ऐड किया मैंने, सो प्लस टी एंड माइनस टी अगर आप कट करोगे तो वापस न्यूमरेटर जैसा हो जाएगा। अगर आप इसको रिड्यूस करोगे, अगर आप इसको ऐसे रिड्यूस कर दोगे ना, सो वापस हमारा हो जाएगा वैसा। सो मैं एडिट कर सकता हूँ वैसे, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, दिस बिकम्स वन अपॉन फाइव इंटीग्रेशन ऑफ, अब विल पुट अ ब्रैकेट सेपरेट कर दूंगा, टी प्लस वन अपॉन टी, टी प्लस वन माइनस टी अपॉन टी, टी प्लस वन डी टी, सो दिस विल गेट रिड्यूस्ड, सो वन अपॉन फाइव इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन डी टी आई इक्वल टू, अब इसको आप इजीली कर सकते हो, देयर फोर आई इक्वल टू वन अपॉन फाइव इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी प्लस वन डी टी, सो वन अपॉन फाइव वन अपॉन टी लॉग टी, एंड दिस बिकम्स लॉग ऑफ टी प्लस वन प्लस सी विच इज अवर फाइनल आंसर। बट मेरा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ एक्स है, सो मेरा आंसर इन टर्म्स ऑफ एक्स होना चाहिए, सो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज वन अपॉन फाइव। अब लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है? लॉग एम माइनस लॉग एन कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ एम अपॉन एन, सो दिस कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ टी अपॉन टी प्लस वन, एंड देयरफॉर आई इक्वल टू वन अपॉन फाइव लॉग ऑफ टी, क्या सब्सिट्यूट किया था टी, एक्स इज टू फाइव अपॉन एक्स इज टू फाइव प्लस वन प्लस सी विच इज अवर फाइनल आंसर। सो इस सम को अच्छे से देख लेना, सेम लास्ट सम जो हम करेंगे सिमिलर टू दिस सम है। कंटिन्यू करते लास्ट क्वेश्चन के साथ, एंड दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स एक्स टू एन प्लस वन डी एक्स, प्रीवियस सम के जैसा है, वाई एक्स टू फाइव था और बार एक्स था, या एक्स टू एन है, सेम सम है, खुद से कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं हम इस सम को। सो मैंने आपको बताया था डिग्री, देखो डिग्री सेम होना चाहिए, या डिग्री सेम है, नहीं डिग्री सेम नहीं है, डिग्री सेम करने की कोशिश करते हैं। सो प्रीवियस केस में कैसे किया था, वो बहुत ही सिंपल था, x is to 5 नंबर था, बहुत ही सिंपल था, या नंबर नहीं है। सो कैसे करेंगे, सो अंदर x is to n है, अंदर x is to n है, कैसे करूंगा, x is to n है और बाहर x है, अब इसको मुझे x is to n करना है, तो कैसे करेंगे, सो आई विल मल्टीप्लाई डिवाइड बाय x is to n माइनस वन। सो अगर इसको मैं x रेस टू n माइनस वन करूंगा, अगर सो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ इंडाइसेस a रेस टू m मल्टीप्लाई बाय a रेस टू n होता है a रेस टू m प्लस n, तो ये हो जाएगा x रेस टू वन प्लस n माइनस वन, सो x रेस टू n हो गया। अंडरस्टूड, बहुत ही सिंपल था ये, तो स्टार्ट करेंगे। सो लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n माइनस वन अपॉन x रेस टू n माइनस वन x x रेस टू n प्लस वन डी एक्स, न्यूमरेटर एज इट इज, एंड दिस x रेस टू n माइनस वन इंटू x हो जाएगा x रेस टू n और x रेस टू n प्लस वन। अब यह बहुत सिंपल, खुद से भी कर सकते हैं, स्टार्ट करते हैं, पुट पुट एक्स रेस टू एन इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ टी. सो ये हो जाएगा पावर विल कम डाउन एंड इट विल गेट रिड्यूस बाय वन. ये हो जाएगा हमारा डी टी अपॉन डी एक्स एंड देयरफॉर एक्स रेस टू एन माइनस वन डी एक्स कैन बी रिटन एज डी टी अपॉन एन. देयरफॉर फाइनल क्वेश्चन हो जाएगा हमारा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन माइनस वन डी एक्स कैन बी रिटन एज डी टी अपॉन एन. सो डी टी यहां लिख देता हूं मैं और एन यहां लिख देता हूं. ओके अब फर्दर एक्स रेस टू एन को मैंने टी पुट किया था, सो वन अपॉन टी एंड टी प्लस वन. देखो प्रीवियस सम की तरह हो गया, प्रीवियस सम में फाइव था, यहां पे एन है. स्टार्ट करेंगे वन अपॉन एन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ टी प्लस वन माइनस टी अपॉन टी टी प्लस वन डी टी. वन अपॉन एन इंटीग्रेशन ऑफ टी प्लस वन अपॉन टी टी प्लस वन माइनस टी अपॉन टी प्लस वन टी डी टी रेड्यूस हो गया. सो वन अपॉन एन इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी प्लस वन डी टी एंड द फाइनल आंसर वन अपॉन एन लॉग टी माइनस लॉग ऑफ टी प्लस वन प्लस सी विच कैन बी रिटन एज आई इक्वल टू वन अपॉन एन लॉग ऑफ टी अपॉन टी प्लस वन. बट हमारा आंसर इन टर्म्स ऑफ हमारा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ एक्स है, सो मेरा आंसर इन टर्म्स ऑफ एक्स कर देता हूं. सो टी क्या सब्स्टिट्यूट किए थे, एक्स रेस टू एन अपॉन एक्स रेस टू एन प्लस वन प्लस सी विच इज अवर फाइनल आंसर. सो आई होप सारे सम्स सारी एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है. एंड वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, प्रैक्टिस भी करना है फॉर बेटर रिजल्ट्स. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. थैंक यू सो मच.